अरे पगल घंटियों, ये तुमसे नमस्ते कर रहा हूँ। क्या ऐसी कह जाता है? यहाँ तुम्हारी तरह का जीवन हमारे घे में है कर्म करत। क्या नमस्ते ऐसे बोली? ऐसे बोल रहे हैं यहाँ। अच्छा अच्छा लगे तो एक खुराक ले लो। बचना कहा चोट बहो, बहुत मारूंगी। किससे मारोगी? थक जाओगी। क्यों? जाओ थाने। क्या करने? वहाँ किसी पुलिस वाले से जा डंडा मरवा लियो, उनका ड्यूटी पूरा हो गया, तुम्हारा काम पूरा हो गया। अच्छा चले ठीक है। ये बताइए आप कहाँ से आ रहे हैं? हम हाँ लखनऊ से। वहाँ क्या कर रहे थे? वहाँ क्या कर रहे थे? ड्राइवरी कर रहे। ड्राइवरी? अच्छा हाँ। आप ड्राइवरी करते हैं? अच्छा लगा तो एक खुराक हो लियो, बचना कहा चोट बहो। इतना बार मिला कभी किसी पर भाग रहे होंगे? चाहे जितना मारो यार, चाहे जितना मारो मजा बहन का है। क्या फिल्म जाएगा और क्या कैसे आएगा? जैसे वो मुंडा हवा का आ रहा, मुंडा हवा का देखो कैसा जो फोटो पकड़ रहा मुंडा हो बच्चा जो पुतों को नजर होती है। चलिए सारी बात छोड़ी, चलिए साइड में लग जाइए। घूम जाते आराम मेरे पीछे नहीं, साइड में लाइट के पीछे। इधर हाँ उधर हम कहीं अपने पीछे का वहाँ मौका मिला उद्घाटन कर दे। और यह दिनेश यादव और साथ में कुलदीप यादव जी दलित का पूर्वज निवासी, इनकी तरफ से आपके आने की खुशी में 50 रुपए का इनाम गाने की फरमाइश से मिस्टर के फूल सूखे के इंतजार में। पहली बात तो ये है कि ये हमारे घरवाली साहब का सख्त आदेश है कि जो भी भाई हमारे रंगमंच के आगे पीछे दाएं बाएं भाई लोग घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, खड़े हुए हैं, हम सभी भाइयों से हाथ जोड़कर गुजारिश करेंगे और विनती करता हूँ कि अगर आप लोग अपना अपना उचित स्थान देख कर बैठ जाए तो ज्यादा ही आनंद आएगा। अन्यथा आपके पीछे जो भी भाई होंगे अगर उन्हें दिखाई नहीं देगा कि शोर में मचाएंगे, प्रोग्राम में भी मजा नहीं आएगा, न तो आप लोगों को देखने में आएगा और न हम लोगों को दिखाने में आएगा। इसलिए हम सभी भाइयों से गुजारिश करेंगे और हमारे घर वाली ताकत सकता देश भैया आप लोग बैठ जाए। धन्यवाद। अवधेश कुमार ग्राम कुशल के पुराण निवासी, इनकी तरफ से घर मालिकाओं को 100 रुपए विभाग का शुक्रिया भैया लिखा हुआ व्यवहार। आपका है सारा सामान आपका है।